लाइव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं एक नज़र आज की हेडलाइन पर। टिकट को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक, कलराज मिश्र के पास पहुंचा इन नेताओं का बायोडाटा। नवीन खाती गैंग का शार्प शूटर गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। दिल्ली पुलिस को हाथ लगी बड़ी कामयाबी, 332 करोड़ की हीरोइन के साथ 10 आरोपी गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार। टिकट को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बैठक। दिल्ली के हरियाणा भवन में लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने बुलाई बैठक। सीएम के साथ बैठक में प्रवेश चुनावी प्रभारी कलराज मिश्र, केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री राम विलास शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद बीजेपी के हरियाणा प्रभारी कलराज मिश्र ने कहा कि अभी संभावित उम्मीदवारों के बायोडेटा मिलने का सिलसिला जारी है। इससे पहले करनाल से पूर्व सांसद अरविंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। करनाल से पिछली बार कांग्रेस से अरविंद शर्मा ने चुनाव लड़ा था। डीसीपी राजेश देव के अनुसार 16 जनवरी 2019 को मंगलापुरी इलाके में हत्या की एक वारदात को अंजाम दिया गया था। रात के समय रवि ने अपने साथी हैप्पी शर्मा और दो अन्य सदस्यों के साथ आकर कई राउंड गोलियां चलाई, जिसमें अनिमेश की मौत हो गई थी। वारदात के बाद बाइक पर सवार होकर चारों बदमाश फरार हो गए। सेक्टर 23 के पास से सफेद रंग की क्रेटा कार में सवार बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने बीच बचाव करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने शुक्रवार सुबह उस वक्त एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब उन्होंने 83 किलोग्राम हीरोइन के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार जब्त किए गए 83 किलो हीरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत 332 करोड़ रुपए है। इस तरह देखा जाए तो यह पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।